हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हीट सिंक्स। हीट सिंक्स का यूज करते हैं हम जो भी सर्किट्स में हमारी डिवाइसेस के अंदर हीट लिबरेट होती है, उस हीट को हम कंट्रोल करने के लिए, उस हीट को हम डिवाइस से बाहर ले जाने के लिए हम जिन सर्किट्स का यूज करते हैं, जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हीट सिंक्स। अब हीट सिंक की जरूरत हमें एससीआर में कहां पड़ती है और क्यों पड़ती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, जब एससीआर को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, वोल्टेज ट्रिगरिंग देते हैं, उस समय क्या होता है, जो हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस जंक्शन होता है, इसके क्रॉस हम एक फोर्स फुली ब्रेक डाउन कराते हैं। उस फोर्स फुली ब्रेक डाउन कराने की वजह से क्या होता है, जंक्शन J1 और J2 हमारे हीट अप होने लगते हैं, जंक्शन J1 और J3 हमारे हीट अप होने लगते हैं। ये जो हीट हमारी लिबरेट होती है, इस हीट को हमें कंपनसेट करना होता है, इस हीट को हमें बाहर रखना होता है ताकि हमारा पूरा एससीआर बर्न ना हो जाए। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हीट सिंक का। हीट सिंक बेसिकली अगर हम देखें पॉइंट टू पॉइंट, तो इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, और जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो हीट लिबरेशन में यूज करते हैं, तो हम इसको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। पैसिव डिवाइस होता है, अपनी साइड से कोई हीट ना तो ये प्रोड्यूस करता है, ना ही अपनी साइड कोई हीट लिबरेट करता है, ये सिर्फ हीट को डेसिपेट करता है जो इसको मिलती है उसे, और हीट को एब्जॉर्ब करता है जो इसे मिलती है उसे, अपनी तरफ से कोई भी हीट ना तो प्रोड्यूस करता है और ना ही कोई एब्जॉर्प्शन अपने अंदर ही करता है। ये जो एब्जॉर्प्शन करता है वो एब्जॉर्ब करके जो भी हीट है उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लो करा देता है। वर्क लाइक है हीट एक्सचेंजर, जैसे कि आपने देखा इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर होते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी साइड जाके हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हीट ट्रांसफर के फॉर्मूला पे ही ये वर्क करता है। इट यूज लिक्विड टू लिबरेट द हीट, इसके अंदर लिक्विड हम भरते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एटमोस्फेयर में एयर में लिबरेट कर देता है बाद में। इट कैन डेसिपेट एंड एब्जॉर्ब, ये डेसिपेट भी कर सकता है हीट को और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। उसके बाद टाइप्स, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल प्लेट हीट एक्सचेंजर, सिंगल फ्लैट प्लेट हीट एक्सचेंजर। सिंगल फ्लैट प्लेट का मैंने डायग्राम बनाया, बिल्कुल फ्लैट प्लेट की तरह होता है ये डिजाइन, हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो एरिया इसका होता है, ये जो एरिया जितना हम इसमें बढ़ा देंगे उतना ही ज्यादा ये हीट को लिबरेट कर पाएगा। ये एरिया हम बढ़ाने के लिए इसके अंदर इस तरीके ग्रूव्स बना देते हैं, जिसमें इसके अंदर फ्लूइड जब फिल हो जाता है तो ये फ्लूइड इसमें ग्रूव्स की ये जो अंदर ये जो एम्प्टी एरिया होता है, सॉलो एरिया होता है, इसके अंदर फिल हो जाता है, और ये जो आउटर पेरिफेरी है इसकी, यहां से ये जो हीट होती है लिबरेट होती है। तो जितना ज्यादा हमारा एरिया होगा इतनी ज्यादा हमारी हीट लिबरेट होगी। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते हैं कि इसके अंदर हम टीथ फॉर्म में इसको डिजाइन करते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल फ्लैट प्लेट हीट सिंक। सेकेंड है हमारा सुपर स्ट्रक्चर कूल्ड हीट सिंक, ये है हमारा सुपर स्ट्रक्चर कूल्ड हीट सिंक। सुपर स्ट्रक्चर कूल्ड क्या होता है, इसमें हमारे दो बोल्ट होते हैं जिसको हम एससीआर के थ्रू एससीआर में हम इसे हुकअप कर देते हैं, और ये हमारा हीट लिबरेट करने के लिए है, हमारे पास पूरा एरिया होता है इसमें चारों साइड से, और ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जिनके बीच में हम अपना एससीआर फिक्स करते हैं, और ये दो हमारे रिविट्स या फिर हमारे बोल्ट हो सकते हैं जिसमें हम अपने एससीआर को अपने फिट कर देते हैं, इसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर कूल्ड हीट सिंक। तो ये हमारे हीट सिंक है, हीट सिंक के बारे में टाइप्स ऑफ हीट सिंक। अब इसको माउंटिंग एससीआर के साथ माउंटिंग कैसे की जाती है, तो माउंटिंग टेक्निक हमारी बेसिकली तीन तरीके की होती है, होती है फ्लैट बेस। फ्लैट बेस मतलब ये हमारा एससीआर है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। अगर फ्लैट बेस में हम कब करते हैं, जब हमारी जो करंट रेटिंग होती है बहुत कम होती है, अगर कम करंट पे हमारा एससीआर ऑपरेट करता है तो हम फ्लैट बेस माउंटिंग यूज करते हैं। हम ये तीनों टर्मिनल पीसीबी के अंदर फिट करके और यहाँ पे कहीं हम अपना हीट सिंक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हमारा फ्लैट बेस है ये कम करंट पे जो हमारा एससीआर वर्क करता है, जो लो करंट एप्लीकेशंस है उसके लिए हमारा यूज होगा। सेकंड है हमारा होल टाइप। होल टाइप जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहा है ये एक एससीआर है, इसमें एक ये होल है, इस होल को हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्क्रू फिट करके और इसे हम टाइट कर देते हैं, स्क्रू फिट करके हम टाइट कर देते हैं, उसके पीछे की साइड में हम यहाँ पे एक हीट सिंक को इसके साथ स्क्रू के साथ हम फिक्स कर देते हैं। तो इसके बैक पे जो इसका बैक सरफेस होता है, बैक सरफेस से जितनी हीट लिबरेट होनी होती है वो हीट सिंक, क्योंकि बैक टू बैक कनेक्ट हो जाता है, हीट सिंक क्या करता है उसकी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अपनी आउटर पेरिफेरी से उसे एटमॉस्फेयर में डेसिपेट कर देता है। उसके बाद हमारा स्ट्रट टाइप। स्ट्रट टाइप में हम एससीआर को बीच में फिक्स करते हैं और बीच दोनों साइड से दो स्ट्रट ले लेते हैं। स्ट्रट टाइप में क्या होता है, क्योंकि ये जो एरिया होता है हमारा एल्यूमिनियम का, ये जिसमें ऑयल फिल कर देते हैं हम, ये और भी ज्यादा हो जाता है, तो एससीआर इस साइड से भी हीट अपनी डेसिपेट करता है और इस वाली साइड से भी, दोनों साइड से अपनी हीट को डेसिपेट करता है, और इसको डेसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा एरिया हमें यहाँ पे इसको मिल जाता है हीट सिंक।
तो ये वाला हीट सिंक स्ट्रट टाइप होता है, हमारे उस एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पे हमारा एससीआर लार्ज करंट के लिए यूज हो रहा है।